हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आपके लिए ईद स्पेशल में बनारसी के मामी सेवई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये यहाँ की बहुत ही स्पेशल सेवई है। कुछ लोग बोलते हैं कि उनसे ये सेवई नहीं बन पाती है, या हार्ड बन जाती है या सॉफ्ट बनती है। तो मैं बिल्कुल आपको परफेक्ट इसकी रेसिपी दूँगी, और आप ये देख सकते हैं इसका टेक्स्चर देखिए और कितनी परफेक्ट ही बन के तैयार हुई है। बहुत ही आसान है, चलिए बना लेते हैं। इसके लिए मैंने सेवई ले ली है, ये बिल्कुल के मामी सेवई वाली सेवई है। तो ये 0.0 की मैंने ली है। ये 0.1 से स्टार्ट 0.0 से शुरू होती है, और 0.1 0.2 इस तरीके से नंबर वाइज मिलती है। तो मैंने बिल्कुल बारीक वाली ली है। इस तरीके से पहले हम इसको हाथों से रब करेंगे और बिल्कुल इसको चूर लेंगे। देखिए इस तरीके से सॉफ्ट करते जाएंगे और हाथों से इसको तोड़ते जाएंगे। अगर इस तरीके से पार्टिकल हो तो आप उसको निकाल दें। ये देखिए अभी इतनी सारी दिख रही थी, अभी आपको ये थोड़ी सी दिखेगी। तो इस तरीके से सारी सिवई को हमें तोड़ लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले ली, उसमें हमें सिवई को डाल देना है। अभी सिवई बिल्कुल कच्ची है, हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है। घी वगैरह कुछ नहीं डालना है आपको। तो आप इसको जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक आपको इसको ड्राई रोस्ट करना है। इस सिवई में सबसे ज़्यादा यही मेन काम है कि आपको इसको ड्राई रोस्ट करने में कम से कम एक घंटा या पौन घंटा लग जाता है। अब मैं यहाँ पर चाशनी बना रही हूँ इसके लिए। तो हमें एक तार की चाशनी बनानी है। मैंने आधा किलो सिवई ली है, तो उसके लिए मैंने एक किलो शुगर लिया है और उसको मैंने चढ़ा दिया है। साथ ही साथ चाशनी भी हमारी बन रही थी, और यहाँ पर मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही थी सिवई को। तो अभी मैं आगे चाशनी आपको बताती हूँ कि कैसी चाशनी हमारी होनी चाहिए। इसको हमें धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। ये देखिए चाशनी हमारी पक रही है। 1 kg मैंने चीनी ली थी। अब चाशनी को हम चेक कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अगर आपका तार बनता है तो आपकी एक तार की चाशनी रेडी हो जाती है। आप इस तरीके से चेक कर लें। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। अब हमारी सिवई रोस्ट हो गई थी, हमने उसको निकाल लिया है। 1 teaspoon मैंने देसी घी लिया है। देसी घी से ही बनाइएगा, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा एक खुशबू फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर मैंने मखाने लिए हैं, इसको हम फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के ले सकते हैं, बट मखाना इसमें डलता है तो मखाना हम ज़रूर लेते हैं। तो मैंने एक बाउल मखाना लिया था। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट में काजू एंड बादाम लिए। आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं। और चाशनी हमारी रेडी हो गई थी, उसी कढ़ाई में हमने फिर चाशनी को ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसमें खोआ ऐड कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। मावा 250 ग्राम मैंने मावा लिया। इस तरीके से हाथों से उसको तोड़ तोड़ कर डालेंगे, ताकि पूरी चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाए, और जब भी हम सिवई खाएं तो उसके बाइट हमें मावे के साथ में आए। तो इस तरीके से हमें इसको मिक्स कर लेना है। चाशनी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे वो इसमें आधे मैंने ऐड कर दिए, आधे ऊपर से गार्निश के लिए रख लिए। अब जो सिवई हमने बना के रखी थी ड्राई रोस्ट, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को हमें एकदम लो कर देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो सिवई नीचे जाकर बैठ जाएगी, और एकदम बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से हमें इसको मिक्स करना है चाशनी में। बस आप 2-3 स्टेप देख लेंगे तो आप बना लेंगे। बस इंपॉर्टेंट होते हैं इनके 2-3 स्टेप आपको करने होते हैं। इस तरीके से मैंने सारी सिवई मिक्स कर दी है, और ये आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट सिर्फ हमें पकाना है इसको, और मैंने इसको ढक दिया था। तो ये देखिए कितना प्यारा इसका लुक आया है, ब्यूटीफुल कलर आया है। अब यहाँ पर मैंने देसी घी से ऊपर तड़का दे रही हूँ। छोटी इलायची ली है और देसी घी सिर्फ उससे मैं ऊपर से तड़का दे रही हूँ। इसे बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आएगी। तो रेडी हो चुकी है हमारी बनारसी सिवई। कैसी लगी मुझे रेसिपी ज़रूर बताइएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। और बहुत ही आसान मैंने स्टेप से आपको बताया है। ये देखिए इसका टेक्सचर इतना बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हुई है ना, ये बहुत अच्छे से तैयार हुई है। तो आप ये देख सकते हैं, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप भी बनाइए इस तरीके से, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, आपके साथ शामिल होंगी। थैंक यू, बाय बाय।